बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। आंदोलन चला दीजिए पूरे भारत वर्ष में, 24 घंटे में अगर इमरजेंसी लागू ना हो जाए पूरे भारत में, सरकार ना चली जाए कहीं, मैं हार जाऊंगा उसके लिए। प्रधानमंत्री के नौटंकीबाज है, पक्का नौटंकीबाज है। जिस स्टेट में जाता है वहाँ का वेशभूषा पहन लेता, वैसे ही डांस करने लग जाता है। आप खाली सत्ता भोगने के लिए आए थे और आपको कोई काम नहीं करना है। फांसी वाद का तरीका वही होता है जो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आइए आज लोगों से बात करते हैं कि जो पत्रकारों पे UAPA के तहत जो धारा लगाई गई है जिसपे उन पे कार्रवाई की जा रही है वो कहाँ तक उचित है। सर आप ये बताइए कि जो पत्रकारों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई UAPA के तहत, वो एक आतंकवादियों पे धारा लगाई जाती है। जो पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जो पत्रकार सरकार की चीजों को दिखाते हैं कि कहाँ पे कमियां हैं, उनके ऊपर इस तरह के शिकंजा कसा जा रहा है, क्या कहेंगे? पत्रकार पहले चीज तो मान्यवर याद रखिए, पत्रकारिता करने वाले पत्रकार अब नहीं रहे। यदि पत्रकारिता करने वाले पत्रकार रहते तो इस सरकार की इतनी खीसा लेदर हो जाती कि इनको इनको जो है बिन बिना करके जनता के बीच में आना पड़ता कि हम जो गलत किए हैं उसका जो है ये खामियाजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। सरकार के इस रवैये पे, जिस तरीके के सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है दखल देना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सवाल उठाया है ये जो है शुद्ध रूप का तीन पैरे में आवंटित होता है। सरकार और पत्रकारिता के बीच जो एक दूसरे को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराना, दूसरा पहला उसका ये होता है कि सरकार द्वारा किया हुआ कार्य योजना का दर्पण सरकार द्वारा भारत के साहित्य के दर्पण में स्थापित करना, और तीसरा ये कि सरकार को अच्छा और बुरे का एहसास कराना, यही सच्ची पत्रकारिता है और यही सच्ची पत्रकारिता का शक्ल भी है, स्वरूप भी है और आम लोगों का अपेक्षा भी है। अब पत्रकारिता के खिलाफ आतंकवाद का पैरे में पत्रकारों को इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूं कि विश्व का एक अनोखा, विश्व का एक हैरत से भरा हुआ, विश्व का एक आश्चर्यजनक चकित जो है ये मामला है कि देश का दर्पण को, देश की व्यवस्था को, देश का जो भविष्य को आप एक आतंकवादियों के पैरे से जोड़ देना, ये लोकतंत्र का, ये वर्तमान संविधान का, ये वर्तमान जनतंत्र का, इससे कोई बड़ा अपमान नहीं हो सकता। रह गया सवाल कि जो पत्रकारिता के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैं सरकार का, सरकार के पुलिस सिस्टम का, इसके जांच एजेंसियों का मैं कटु निंदा करता हूं। अब सरकार को आगाह भी करता हूं कि आप समझ लो कि ये ही दिन और यही रात रहेगी, आप नहीं कल रहोगे, कल दूसरा उस कुर्सी पर रहेगा। आज जब दूसरा उस कुर्सी पर रहेगा तो तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगा जो तुम हमारे साथ किए हो। तो मैं इसमें सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार की जो स्थिति है ना साहब, आप बिस्तर देखे हैं, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। ये स्थितियां है सरकार की। अब थोड़ा आपसे ले लीजिए, जो पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करते हैं, गोदी मीडिया का सहारा नहीं लेते हैं, उन पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा, UAPA की तरह धारा लगा देना, बेवजह परेशान करना, इसको किस तरीके? सरकार तो जो कर रही है तो गलत है ही है, उसके साथ ही साथ भारत की जो मीडिया है वो खुद बिकी हुई है और भ्रष्ट है। वो उन मीडिया वालों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? जैसे आपका चैनल है, इस तरीके से लाखों चैनल भारत में हैं, वो जब एक किसी के साथ अन्याय उसके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी बात। मैं सच्ची पत्रकारिता की बात करूँ, पत्रकारिता का मतलब होता है खोज करके किसी चीज को लाना,
कौन सी ऐसी मीडिया भारत की है, कौन सा ऐसा पत्रकार है जो खोजी पत्रकार है, कुछ खोज करके लाता हो, जनता के हितों की बात करता हो। जब नरेंद्र मोदी या किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति भाषण दे रहा होता है चुनाव प्रचार में, तो लाइव प्रसारण करते हैं। ये बताइए, सच्ची पत्रकारिता है क्या? ये तो एडवर्टाइजमेंट पैसा लेकर के आप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। पत्रकारिता है जो भाषण चल रहा है उसको चलने दीजिए, आप लाइव क्यों दिखा रहे हैं किसी को? आप लेकर के आइए कि जो प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी समय में किसी भी दल में रहा हो, जब वो किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने के लिए इलेक्शन में जाता है तो उस पर आने वाला खर्च जनता का है, सरकारी है, कैसे दुरुपयोग है इस पर आप लोग आवाज नहीं उठाते? तो निश्चित तौर पर जब उसके गुणगान कर रहे हैं तो सजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बता दें, गुड़ ज्यादा खाओगे तो शुगर होके रहेगी। जो ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, सभी पत्रकारों पे कार्रवाई नहीं हुई है, जिन 40 से ज्यादा पत्रकारों पे कार्रवाई, 40 से ज्यादा पत्रकारों की बात कर रहे हैं आप, खोजी पत्रकार हैं, यहाँ की मीडिया पत्रकार है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाइना से या विदेश से फंडिंग हुई है। तो जब फंडिंग हुई है तो भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट बना हुआ है, फेरा फेमा, आपका फॉरेन एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना हुआ है, आप उस चीज को निकाल करके क्यों नहीं दिखाते हैं? सारे पत्रकार बंदूक क्यों नहीं लाते हैं कि सरकार को इसके तहत करिए, अगर इसके तहत हमने नहीं चंदा लिया है, इससे बियॉन्ड हमने लिया तो हमारे खिलाफ करिए। और क्यों नहीं सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते या कहीं भी जाते, आंदोलन चला दीजिए पूरे भारत वर्ष में, 24 घंटे में अगर इमरजेंसी लागू ना हो जाए पूरे भारत में, सरकार न चली जाए, कहीं मैं हार जाऊंगा उसके लिए। लेकिन पत्रकारों पे कार्रवाई की गई है, ये कोई अघोषित आपातकाल जैसी व्यवस्था नहीं लग रही? क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, जैसे आप चाहे क्षेत्रीय प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें, केंद्र में भी वहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पे जिस तरीके से छापे ईडी के या अरेस्टिंग हो रही है, और यहाँ पे भी बाबा सरकार जिस तरीके से जितने भी विपक्षी दल हैं उनको परेशान कर रही है, उन्हें बंद कर रही है, यहाँ भी मीडिया को, वहाँ पे मीडिया को भी बंद कर रही है जिस तरीके से, तो क्रिया पर प्रतिक्रिया हम भी करेंगे। हम भी 2024 में जब गठबंधन सरकार बनेगी, तो क्योंकि ये जो चीज आप एक तरफा है ना, वो किसी के समझ में से बाहर है। जब आप एक ही पार्टी को, सारी पार्टियों को गठबंधन के टारगेट कर रहे हैं और आपको अपनी पार्टी का कोई दोष नहीं दिखता है, जबकि सारे सबूत हैं, सारे एविडेंस हैं, सारी बातें हैं, मगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, आप अपने कॉरपोरेट जगत पर कार्रवाई नहीं करते। अडानी अंबानी जिसको कहते हैं, और जितने भी लोग हैं, और जितने आपने अपनी सरकार में होते हुए देश से बाहर भगाने का काम किया, क्या आप उन्हें, उनको लाने की बात कही थी, है ना, दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कही थी, ना जाने कितनी इस तरीके की बातें, वो तो लाए नहीं, जो देश में आप वहां पर भी माहौल खराब कर रहे हो। तो हमें लगता है कि क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी 2024 को गठबंधन जब आएगा। सरकार का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता नजर आ रहा है, उस वजह से कहीं बौखलाहट तो नहीं दिखाई दे? ये बौखलाहट का ही तो निशानी है। अभी आप किसी मंत्री और सांसद को, क्या एमएलए का चुनाव लड़ा? एक मिनट सर जी, किसी एमएलए और सांसद, मंत्रियों को और सांसदों को आप चुनाव लड़ाएंगे इस तरीके से? तो ये दर्शाता आपका, और यूट्यूबर बन जाएंगे, प्रधानमंत्री है कि नौटंकीबाज है, पक्का नौटंकीबाज है। और आप देख लीजिए, 9.5 साल से उसकी नौटंकियां, जिस स्टेट पे जाता है वहां का वेशभूषा पहन लेता, वैसे ही डांस करने लग जाता है। तो ये इसके आचरण में, ये नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है, यूट्यूबर की इसको क्या जरूरत है? इसके तो सारे गोदी मीडिया चैनल है, इतने चैनल है, इतने बिके हुए जो इसके लिए, इसको क्या जरूरत है यूट्यूबर? मतलब ये हताशा है, ये हार की निशानी है, जो 2024 में नरेंद्र मोदी पहले ही देख लिया। और मैं और आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान सनातन इसी सब चीजों के ग्राउंड पर जीतेगा। इसने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, उस पर तो कभी बात की नहीं है। तो किस मुंह से जनता के बीच में जाएगा कि हमें जिता दीजिए? तो जीतेगा कैसे? हिंदू मुस्लिम कराएगा, जाटों को, किसानों को लड़ाएगा, जिस तरीके से 2013 इसने जीता था मुसलमान और हिंदू किसानों को लड़ा के, और 2019 जीता था 42 जवानों की हत्या करा के। अगर सतपाल मलिक ने इस बात का पहले खुलासा कर दिया होता तो ये हमारे देश के 5 साल और बच जाते, ताकि इसकी सरकार न बनती नरेंद्र मोदी की। जिस तरीके से इसने जवानों की हत्या कराई, खुद वहां पे फोटो सेशन करता रहा कश्मीर में, और जब सतपाल मलिक ने बातें बताई कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पे, इतना निर्लज्ज, नपुंसक और कायर और निर्लज्ज प्रधानमंत्री इस देश के पटल पर बैठ चुका है जो देश चलाने योग्य नहीं है। तो मैं तो साफ साफ कहूंगा ये बात को कि ऐसा हमने प्रधानमंत्री बैठा रखा, ये जनता अगर नहीं अब 2024 में समझेगी, तो हमें लगता है 1400 से 2400 नहीं,
4800 का सिलेंडर बिकेगा, 100 का पेट्रोल 400 में बिकेगा, फिर हाय करना, फिर मोदी 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 करना, फिर वही करोगे। जिस हिसाब से पत्रकारों पे और पत्रकारिता पे शिकंजा कसा जा रहा है लगातार, वो अगर बात करें जो नए स्टूडेंट हैं, जो मॉस कम्युनिकेशन का कोर्स करके आ रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहे हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला जो आज की स्थिति? देखो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जिसे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया या देश के साथ गद्दारी की उन्हीं पे तो कार्रवाई हो रही, सब पे तो नहीं हो रही। और उसके पहले अभी इन लोगों ने 14 पत्रकारों को बाइकॉट कर दिया गया था, तो वो क्या था जो सही बात? चुप। एक और अभी भाई साहब कहे कि मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सच्ची पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की बात। अगर उनके साथ कोई ना कोई एविडेंस सरकार के पास होंगे तभी उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी जांच होगी। जांच नहीं होगी, जांच में अगर सही पाए जाएंगे तो वो बरी हो जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ किया है देश के साथ, विश्वासघात या पैसा लेकर के कुछ किया है, तो वो कोर्ट उनको सजा देगी और उसमें सरकार का कोई रोल नहीं। सरकार तो सिर्फ काम कर रही है ना, ये तो कोर्ट का और सरकारी मशीनरी का काम है। उन्होंने पकड़ा होगा तभी आज संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार, पहले तो नहीं गिरफ्तार कर लिया गया? जब उनके खिलाफ एविडेंस, उनके खिलाफ सबूत आए तभी तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये सरकार की प्रक्रिया, ये सरकारी प्रक्रिया है, जांचें होती रहती हैं, जिनके ऊपर कोई हाथ उठेगा और उनकी जांच होगी। अगर उनके ऐसा नहीं, अगर उनके खिलाफ अगर कुछ नहीं था तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्यों नहीं गए? क्यों अगर कोर्ट को इस तरीके के केसों में क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी दखल देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी? अगर गलत हो रहा किसी, वो हर व्यक्ति के विषय में सुप्रीम कोर्ट दे सकता, हर आम आदमी के, हर हिंदुस्तानी के विषय में दे सकता जो हिंदुस्तान में रह रहा है। अगर उसके साथ गलत सरकार कर रही है, सरकारी मजे उसको करना चाहिए, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके तहत काम हो रहा है और इसमें आप देख लेना, अगर कुछ ना कुछ, अगर ये गिरफ्तार किए गए हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उसमें है दाल में काला, तभी वो गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार उसका और कोर्ट में साबित हो जाएगा। 40 से ज्यादा पत्रकारों पर कल छापेमारी की गई है, इस पर क्या कहेंगे पहले तो सरकार के रवैये पर? देखिए, लोकतंत्र के अंदर पत्रकारों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब तक कोई आपके पास बहुत पुख्ता सबूत ना हो तब तक किसी भी पत्रकार के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक वो निष्पक्षता से अपनी बात को नहीं रख पाएगा। अगर डर का माहौल बनाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र के अंदर आपको पत्रकारों से डरना नहीं है, आलोचना से डरना नहीं है, क्योंकि आलोचना लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और आपकी सरकार को भी मजबूत करता है। क्योंकि जब आप पुनः इलेक्शन में जाते हैं तो कम से कम आपके पास जवाब देने को होता है कि मैंने इतने काम जो लोगों द्वारा उठाए गए, जनता द्वारा उठाए गए, उनको मैंने एड्रेस किया। पर आप जब सुनेंगे ही नहीं, अपनी आलोचना ही नहीं सुनेंगे, तो आपके चारों तरफ तो सिर्फ चाटुकार होंगे। चाटुकारों से घिरी हुई सरकार कभी भी स्वस्थ लोकतंत्र और विकास नहीं दे सकती है। जिस तरीके की धारा लगाई गई है वो एक आतंकवादियों की उस तरीके की धारा लगाई जाती है, आज पत्रकारों के ऊपर उस तरह की धारा लगाई जा रही है। सारे पत्रकारों से पूछा जा रहा है कि आप किस किस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, किस कहां तक पहुंचे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर अगर आज भी राज्यद्रोह और देशद्रोह जैसी धाराओं को हमारे देशवासियों पे लगाया जाता है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर आतंकवादियों के साथ जो कार्रवाई होती है वो देशवासियों के साथ आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके लिए आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं, परंतु आप सिर्फ दबाव बनाने के लिए, आप अपने जो कार्य आपने नहीं किए हैं उनसे बचने के लिए, कि आपसे सवाल कोई ना पूछे, विकास के सवाल कोई ना पूछे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 100 स्मार्ट सिटी कौन सी है तो बताने में क्या दिक्कत है? आपने ही तो कहा था ना हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और या तो आप फिर कह दीजिए कि आप खाली सत्ता भोगने के लिए आए थे और आपको कोई काम नहीं करना है। जो नए स्टूडेंट है जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत में आना चाह रहे हैं, इस तरीके की जो सरकार की कार्रवाई उसको देख के उनके ऊपर क्या असर? नहीं, बिल्कुल मनोबल टूटेगा। जो नया स्टूडेंट है जो पत्रकारिता को एक तरीके का मंदिर समझ के वहां पे जाना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमें इम्यूनिटी मिलती है कि हम सत्य लिख सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, कोई हमारा सत्य सुनने को तैयार है, तो उसको ये लगता है कि सिर्फ चाटुकारिता ही पत्रकारिता नहीं है। अगर चाटुकारिता को आप पत्रकारिता से जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से न्याय किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। पत्रकार का काम है निष्पक्ष होके, निडर होकर
लोगों के जो सत्य है उसको कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाना, विपक्ष तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना और अपनी आवाज को बुलंद करना, क्योंकि पत्रकार ही आपको देश के सत्य या किसी भी घटना के सत्य से अवगत करवा सकता है। वो सबसे पहले वहां पे घटना पे पहुंचता है पुलिस के साथ। तो ऐसी स्थिति में कई बार तो पत्रकारों ने ऐसे ऐसे इनपुट दिए हैं जो सरकारें नहीं कर पाई। कई बार तो खास तौर से नक्सलवादियों की कमर तोड़ने में पत्रकारों की एक अहम भूमिका रही है। कई बार पुलिस पत्रकारों को सूत्रों के रूप में इस्तेमाल किया है पुलिस ने, तो वो तभी कर सकते हैं जब आप निर्भीक होंगे, निडर होंगे। और अगर हम आपको कोई इनपुट देते हैं उसके बाद आप हम ही पे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, फिर पत्रकारिता कहाँ रह जाएगी। यूएपीए की धारा आतंकवादियों पे लगाई जाती है, आज पत्रकारों पे लगाई गई, इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि पत्रकारों की स्थिति क्या है? ये तो मैं 2013 से लिख रहा था कि अगर फांसीवादियों की सरकार आएगी तो आप लोगों के सामने क्या क्या होगा, मेरा मीडिया चेक कर लीजिएगा। और वही सब हो रहा है। फांसीवाद का तरीका वही होता है जो वही जो और कर रहे हैं, उससे आपको कोई ऐसा अनहोनी नहीं हो रही जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है अभी डर के मारे। सरकार के इस तरीके के रवैये पे क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जागरूक है और चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फिर से साख बनाई है, आज भी एक बड़ी सुनवाई करने जा रही है, उनको निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश तो जी ईडी को कर दिया कि आप किसी को बिना बताए कारण गिरफ्तार नहीं कर सकते, दूसरा ये कह दिया जवाब न देना गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं हो सकता है। ये दो चीजें भी पत्रकारों के हक में जाती हैं। सरकार के इस तरीके के रवैये से अगर देखा जाए तो जो नए बच्चे जो मॉस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो पत्रकारिता की तैयारी कर रहे हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उन बच्चों में ननक है पत्रकार बनने की तो पत्रकार एक चुनौती है, पत्रकार कोई हंसी खेल का काम नहीं है। उस चुनौती को जो स्वीकार करेगा वही पत्रकार बनना चाहेगा और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी आम जनता की राय। इन्होंने बताया कि कोर्ट इसमें संज्ञान लेगी तो जो भी दोषी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो दोषी नहीं है उसको बाकायदा बरी करना चाहिए, बाइज्जत बरी करना चाहिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज नेटवर्क।